यहाँ पर जैन धर्म के श्वेतांबर पंथ के महान ऋषि, महान संत आचार्य महाश्रवण जी पधारे हुए हैं और यहाँ का जरा जरा, यहाँ का कण कण उनके स्वागत के लिए आतुर है और उनके आशीर्वचनों के और उनके ज्ञान सुनने के लिए आतुर है। बिदासरवासी नहीं, पूरे भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर आचार्य महाश्रवण जी का आशीर्वाद लेने के लिए और उनकी वाणी से अपने जीवन को धन्य करने के लिए पधारे हुए हैं। यहाँ जैन धर्म ही नहीं, मैं कहना चाहूँगा यहाँ हिंदू धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म के भी अनुयायी उनके स्वागत और उनका आशीर्वाद पाने के लिए आतुर है। यहाँ एक सप्ताह से भी ज़्यादा का समय यहाँ उनको पधारे हुए हो गया और लोग ये चाहते हैं कि उनका आशीर्वचन, उनका सानिध्य उनको बार बार मिलता रहे, क्योंकि कहा जाता है कि जैन धर्म अपने आप में एक विशेषता लिए हुए हैं, वो है अहिंसा, वो है पर्यावरण, वो है जीव हत्या का विरोध। अर्थात जीव हत्या का जब विरोध होगा तब इस प्रकृति में संतुलन बना रहेगा। जैन धर्म के संत, जैन धर्म के ऋषि, जैन धर्म के साधु बहुत ही नियमों पर चलने वाले होते हैं, अर्थात वो प्रकृति के प्रति अपना समर्पण बनाए रखते हैं, वो जल का भी ख्याल रखते हैं, वो जीव का भी ख्याल रखते हैं, वो प्रकृति के कण कण में व्याप्त ईश्वरीय सत्ता द्वारा व्याप्त जीव का भी ख्याल रखते हैं। वो नहीं चाहते कि किसी भी जीव की हत्या, किसी भी जीव की मृत्यु हमारे कारण हो, इसलिए वो रास्ते में चलते हुए भी रास्ता साफ करके चलते हैं, वो खाना खाते समय भी ध्यान रखते हैं, वो पानी पीते समय भी पानी उबाल कर पीते हैं कि कोई जीव उनके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाए, क्योंकि संसार में जीने का अधिकार सभी को है। आज हम आपको आचार्य महाश्रवण जी के जितनी भी ध्वल सेना है उनका दर्शन करवाने का प्रयास करेंगे और आप लोगों से भी एक आग्रह करेंगे, जैन धर्म का एक सिद्धांत जियो और जीने दो के आधार पर चलिए। इसी आशा के साथ तंत्र टीम विदा सर। राजस्थान वीरों की भूमि नहीं, राजस्थान संत महात्माओं की भी भूमि रही है। राजस्थान के चूरू जिले की बिदासर तहसील के मुख्यालय में हम अभी आए हुए हैं, जहां पर जैन धर्म की श्वेतांबर शाखा के 11वें महान ऋषि, महान संत आचार्य महाश्रवण जी का प्रवास है। महाश्रवण जी आए हुए हैं जहां पर सभी धर्मों के अनुयायी उनका आशीर्वचन लेने के लिए, उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए बिदासर तपोभूमि में आए हुए हैं, बिदासर धर्म भूमि में आए हुए हैं। आज हम यहाँ पर एक आपको विशेष कवरेज दिखाने के लिए आए हैं, जहाँ आप देख पा रहे हैं कि वीर भूमि रजत एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब आपने कभी रेल या द्रुतगामिनी के मामले में सुना होगा, लेकिन आज हम जिस शताब्दी एक्सप्रेस की बात करेंगे, जिस रजत भूमि एक्सप्रेस की बात करेंगे, उसमें संतों का व्याख्यान होगा, संतों की जन्मभूमि की चर्चा होगी, संतों की कर्म भूमि की चर्चा होगी। राजस्थान वीरों की भूमि नहीं, राजस्थान धर्म की भी भूमि रही है। ये इतिहास गवाह है, ये वर्तमान गवाह है और ऐसे ऋषि और ऐसे मुनि जब तक रहेंगे, उनके आशीर्वचन रहेंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में भी ऐसे संतों की भूमि से आने वाली संतान, आने वाली पीढ़ी निश्चित तौर पर धर्म का अनुसरण करके पैदा होगी। आइए हम आपको शताब्दी एक्सप्रेस का, वीर भूमि एक्सप्रेस का दर्शन करवाते हैं, वीर भूमि रजत एक्सप्रेस का। ये पूरी रेल की आकृति बनी हुई है, रेल की डिजाइन यहाँ पर मोनेटाइजिंग की गई है, रेल को पूरा का पूरा एक धर्म के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया गया है। हम देख पा रहे हैं कि ये सौभाग्य कोच, पहला कोच, आप कोच अगर किसी ने रेल में यात्रा की है तो उसने कोच सुना होगा, बस में भी यात्रा की है तो कोच सुना होगा। इस पहले कोच का नाम है सौभाग्य कोच, जिसमें दिखाया जा रहा है विक्रमी संवत 1837 में तेरापंथ के बीजोपन के रूप में। बीजोपन का तात्पर्य यह होता है कि उत्पत्ति के रूप में आद्य प्रवर्तक आचार्य श्री भिक्षु का बिदासर क्षेत्र दड़ीबा ग्राम में सर्वप्रथम पर्दापण धर्म संघ इतिहास का प्रथम गवाह बना। आचार्य भिक्षु के समय मारवाड़ धरती पर बिदासर के दो व्यक्ति दीक्षित हुए। दीक्षित का मतलब है दीक्षा प्राप्त करना, जिसमें एक का नाम है शिवराम जी और दूसरे का नाम है भागचंद जी, जैसा आप स्पष्ट देख पा रहे हैं। यह था सौभाग्य कोच। अब हम आपको नीव कोच का अवलोकन करवाएंगे, नीव कोच का दर्शन करवाएंगे। आप देखेंगे नीव कोच के में हमें क्या जानने को मिलेगा। यहाँ पर तृतीय आचार्य ऋषि राय थली प्रांत में प्रथम चातुर्मास, थली यानी बीकानेर का कुछ भाग और शेखावटी का कुछ भाग थली प्रांत कहलाता है, बिदासर निवासी शोभा चंद जी बेगाणी, उत्तम चंद जी बेगाणी आदि व्यापारी कार्य हेतु पाली गए। वहां आचार्य रायचंद जी से प्रभावित होकर बिदासर
पधारने की पुरजोर प्रार्थना की। विक्रमी संवत 1887 में भावभरी प्रार्थना से विदासर को मिला आचार्य ऋषि राय द्वारा प्रथम चातुर्मास जो थली प्रांत में सर्वप्रथम था। चातुर्मास का तात्पर्य है 4 महीने बड़े ऋषि के द्वारा, बड़े संतों के द्वारा। ये प्रत्येक धर्म में है, चाहे हम बात हिंदू धर्म की करें, चाहे बात हम जैन धर्म की करें, प्रत्येक जो ऋषि होते हैं, महान संत होते हैं, वो 4 महीने जनता को अपने आशीर्वचन सुनाने के लिए, जनता को अपने ज्ञान के माध्यम से सत्य के मार्ग पर ले जाने के लिए प्रयास करते हैं। ये थी न्यू कोच संख्या 2। अब आपको 3 नंबर कोच के दर्शन करवाएंगे, 3 नंबर कोच के अवलोकन करवाएंगे, जिसका नाम है जयाचार्य पटोत्सव कोच। कोच का नाम है जयाचार्य पटोत्सव कोच। इसमें हम जानेंगे विक्रमी संवत 1908 में बिदासर की धरती पर जयाचार्य आचार्य पद पर आसीन हुए तथा पुनः साधु साधियों के भक्ति भरे आग्रह यानी निवेदन भी कौन सा बार बार किया गया निवेदन आग्रह कहलाता है। जयाचार्य पटोत्सव का 2रा चरण भी बिदासर में मनाया गया। ये रेल के माध्यम से इतिहास को वर्तमान में संजोने का प्रयास है, वर्तमान पीढ़ी इतिहास को जान सके, वर्तमान पीढ़ी अपने इतिहास में उन संतों का बखान सुन सके जिन संतों की तपस्या से हम लोग आगे आए। पुस्तकों का संगीकरण कोच, 4था कोच है पुस्तकों का संगीकरण कोच। विक्रमी संवत 1908 में जयाचार्य परवर ने व्यक्तिगत पुस्तकों के संगीकरण का सूत्रपात किया। कहा जाता है बुक्स आर ट्रू फ्रेंड्स ऑफ लाइफ, पुस्तक जीवन में सच्चे मित्र हुआ करती है। सभी साधु साधियों ने जयाचार्य के श्री चरणों में पुस्तकों को समर्पित किया। पुस्तक जैन धर्म के संतों की एक विशेषता है, वो पुस्तकों का देन सबसे ज्यादा करते हैं। इस्लाम की बात करें, चाहे हम बौद्ध धर्म की बात करें, चाहे हम हिंदू धर्म की बात करें, चाहे हम ईसाई धर्म की बात करें, अगर पूछा जाए कि कौन से धर्म के अनुयायी, कौन से धर्म के साधु, कौन से धर्म के साध्वी पुस्तकों का सबसे ज्यादा अध्ययन करते हैं, तो निसंकोच कहने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए कि जैन धर्म के अनुयायी पुस्तकों का ज्यादा अध्ययन करते हैं। 5वें कोच जिसका नाम है भिक्षु चरमोत्सव कोच। भिक्षु चरमोत्सव कोच में हम देखेंगे क्या बताया गया है। 13 पंथ स्वेतांबर की एक विचारधारा जिसका नाम 13 पंथ है कि आद्य प्रवर्तक आचार्य भिक्षु ने श्री यारी में अनशन पूर्वक प्रयाण किया। अनशन यानी अनशन अन्न का ग्रहण नहीं किया, किंतु अब तक धर्म संघ में स्मृति रूप में कोई कार्यक्रम की योजना नहीं थी। विक्रमी संवत 1914 में सर्वप्रथम बिदासर धरती पर जयाचार्य ने विधिवत भिक्षु चरमोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह 1914 की बात है और 1914 विक्रमी संवत की बात कर रहे हैं। अगला कोच है मुनिद मोरा कोच। मुनिद मोरा कोच आप देख पा रहे हैं, मुनिद मोरा कोच। इसमें मुनिद मोरा कोच में हम देखेंगे आर्थिक सहायता हेतु बिदासर में समागत बिलाड़े मारवाड़ को बिलाड़ा कहा जाता है, एक सेवक ने असंतुष्ट होकर गुरु जयाचार्य को देवाधिष्ठित मंत्राधिक प्रयोग से उपद्रवित किया। विक्रमी संवत 1914 में देवकृत उपसर्ग में बंगालियों की पुरानी पोल में हुई धधकते अंगारों की वर्षा, जयाचार्य को छोड़ अन्य सभी साधु मूर्छित हुए। बाल मुनि मगुआ के स्पर्श से जयाचार्य पर्व का ध्यान भग्न हुआ तथा तत्काल मुनिद मोरा ढाल की रचना से उपद्रव शांत हुआ। साध्वी प्रमुखा सरदारान जी सभी कुछ साधुओं ने किया मूर्छित साधुओं का स्थानांतरण। कहने का अभिप्राय है यहाँ पर जिस प्रकार हिंदू धर्म के लोगों में शराब की प्रवृत्ति रही है, शराब यानी शराब देने का जो विचार रहा है, उसी प्रकार यहाँ पर एक उपद्रव भी हुआ। आगे भिक्षु हमारे प्रगट्या कोच, 7वें कोच का नाम है भिक्षु महाराज प्रगट्या जी, अर्थात भिक्षु महाराज इस बिदासर की धरा पर पधारे। अगला यहाँ पर हम देखेंगे बड़ी पंचायत के नोरे में रिगतमल भैरू जी का मंदिर है और वहीं सुखमल जी बेंगानी पितर जी का नाडा है। नाडा का तात्पर्य राजस्थान में जहाँ पितर जी का धाम होता है वहाँ नाडा बोला जाता है। कहा जाता है कि विक्रमी संवत 1929 में जयाचार्य अनजाने में वहाँ खंकार थूक दिया। कहने का अभिप्राय है कि प्रत्येक धर्म में स्वच्छता को प्रधानता दी गई है, अर्थात किसी भी प्रकार का थूक हमें किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं थूकना चाहिए, जिससे किसी भी जीव की हत्या होने का अंदेशा रहता है, जिससे उनके मूत्र अवरोध की समस्या हुई, अर्थात उनका जो मूत्र है, मूत्र आगमन का जो रास्ता है वो बंद हो गया। तब उन्होंने भिक्षु महाराज प्रकट्या जी भरत क्षेत्र में गीत का निर्माण किया। चमत्कारी गीतिका की पूर्ति के साथ ही वे कष्ट मुक्त हो गए। अगला कोच 8वां कोच है मगवा जन्मधरा कोच। मगवा जन्मधरा कोच में हम जानेंगे कि क्या हुआ।
विक्रमी संवत 1897 में बनाजी माता बनाजी और पिता पूर्णमल जी बेगवाणी के घर आंगन में महामहिम मगवागणी का जन्म हुआ, जो तेरा पंथ के पंचम आचार्य पद पर सुशोभित हुए। खेल खेल में बालकों की भविष्यवाणी हुई सफल। मंथन एण वदामी मगजी स्वामी, थारे पांत्र में घी बैठे बैठे और ठंडो पानी पी। कहने का अभिप्राय जिस प्रकार भगवान कृष्ण जब मक्खन खा रहे थे और उनकी माँ यशोदा ने जब उनका मुख देखा था, मुख के अंदर देखा, तो उनके तालू में अर्थात पूरी सृष्टि एवं ब्रह्मांड का दर्शन उसकी माता ने किया था, उसी प्रकार यहाँ पर भी अपने पुत्र के जन्म के समय से ही इनको जैन धर्म के श्वेतांबर में भी तेरापन धर्म के जो आचार्य है पंचम आचार्य पद पर सुशोभित होने का आवास प्राप्त हुआ। अब हम नौवे कोच के दर्शन करने जा रहे हैं, दीक्षार्थी मगवा कोच। कोच का नाम रखा गया है दीक्षार्थी मगवा कोच। इसमें आप देख पा रहे हैं अंदर जो झांकी दिखाई गई है, अंदर जो दृश्य दिखाया गया है वो बिदासरगढ़ का दिखाया गया है। दुर्भाग्य कहूं या सौभाग्य, ये गढ़ वर्तमान समय में अब एक होटल का रूप ले चुका है। वो परंपरागत राजस्थान के लोगों के लिए ये खुला नहीं है कि आप देख सके कि किस प्रकार राजा महाराजा रहा करते थे, उसी प्रकार यहां पर एक नोवे कोच का निर्माण है। उसमें हम देखेंगे विक्रमी संवत 1908 बिदासर में दीक्षा से पूर्व जुलूस में किसी व्यक्ति ने वैरागी मगवा के चाचा प्रेमराज जी को व्यंग्य कसा। व्यंग्य का मतलब है किसी को उपहास करके बोलना, और सभी धर्मों में यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने वाणी से भी ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। जैन धर्म का एक सिद्धांत है अहिंसा। अहिंसा का मतलब है जियो और जीने दो, और इसमें जियो और जीने दे का तात्पर्य यही नहीं है कि सिर्फ आप किसी को मार और काटने का विरोध है। इसमें यह भी कहा गया है किसी को भी अपने तन मन वचन से किसी को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। आवेश में आकर तत्काल दीक्षार्थी मगवा को उतारकर गढ़ में ले गए, दीक्षा के लिए इनकार कर दिया। उस दिन दीक्षा नहीं हो सकी। 7 दिन बाद लाडनू, जो नागौर जिले का प्रमुख जैनों का एक तीर्थ केंद्र कहा जा सकता है, वहां उनकी दीक्षा संपन्न हुई। अगला काड़ूगणी दीक्षा कोच आप देख पा रहे हैं। काड़ूगणी दीक्षा कोच में आप विभिन्न चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है कि किस प्रकार इन्होंने अपना मर्यादा महोत्सव में अपनी भूमिका निभाई है, अर्थात जैन धर्म की मर्यादा का निर्माण किया। बिदासर के नगराज जी बेंगाणी को इष्ट देवता द्वारा आभास हुआ। 4 कोस की सीमा में भावी अष्टमाचार्य का जन्म हुआ। यह बात उन्होंने प्रवचन में जयाचार्य एवं युवाचार्य मगवाणी से निवेदित की। विक्रमी संवत 1944 में वीर धरा पर मगवा गणी के कर कमलों में से बालक कालू बने, मुनि कालू अर्थात मुनि कालू का जन्म हुआ। अब जो आप 11वां कोच देख रहे हैं वो है धवल समारोह कोच। आप देख पा रहे हैं धवल समारोह कोच 18, 19, 20, 21 सितंबर 1961 ये ईस्वी की बात करेंगे, और बिदासर में आयोजित किया गया। विक्रमी संवत 2018 आचार्य पद के 25 साल पूर्ण होने पर बिदासर धरती पर आचार्य श्री तुलसी का धवल समारोह रजत जयंती। रजत जयंती का तात्पर्य 25 वर्ष से होता है। प्रथम चरण मनाया गया, उस समय बीकानेर के महाराजा श्री कर्णी सिंह जी आदि गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए, क्योंकि राजतंत्र में धर्म का स्थान था, प्रजातंत्र में धर्म का स्थान नहीं बचा, केवल राजतंत्र में राजाओं का स्थान बचा है। इसीलिए हम देखते हैं प्रत्येक धार्मिक कार्यक्रम में, चाहे वो किसी भी धर्म का कार्यक्रम हो, वहां राजनेता पहुंचते हैं। धर्म वो भी केवल मतों के कारण पहुंचते हैं, उनकी आध्यात्मिक श्रद्धा नहीं होती, क्योंकि उनकी अगर आध्यात्मिक श्रद्धा होती तो हम जो इस देश में भ्रष्टाचार लूटपाट जो घटनाएं देख रहे हैं वो नहीं होती। वो धर्म के कार्यक्रम आते जरूर है लेकिन उन धर्म के सिद्धांतों को अपनाते नहीं है। मैं आग्रह करना चाहूंगा मेरी कलम के माध्यम से कि आप लोग किसी भी धर्म के संतों के पास अगर आशीर्वचन लेने आते हैं तो उनके द्वारा बनाए गए सिद्धांतों पर चलकर इस राष्ट्र का भला कर सकते हैं। 12वें कोच का नाम है युग प्रदान अलंकरण कोच। युग प्रदान अलंकरण कोच 108वां मर्यादा महोत्सव 2 फरवरी 1971 बिदासर में आयोजित हुआ। इस कोच का निर्माण इसलिए किया गया कि इतिहास में जो वर्तमान जैन धर्म की पीढ़ी है, जैन धर्म को मानने वाले हैं, श्वेतांबर को मानने वाले हैं, उनको इस कोच के माध्यम से बताया गया कि हमारे पूर्वजों ने धर्म के लिए अपना तन मन धन अर्पण किया ऋषियों के संतों के चरणों में, तो हम भी भविष्य में इसी प्रकार चलते रहे। विक्रमी संवत 2027 में आचार्य श्री तुलसी चतुर्वर्षीय लंबी यात्रा कर मातू श्री वंदना जी को दर्शन देने बिदासर पहुंचे। उस समय व्रत मर्यादा महोत्सव के अवसर पर चतुर्विद धर्म संघ ने युग प्रदान पद से आचार्य श्री तुलसी को विभूषित किया। 13वां कोच सायकालीन प्रार्थना कोच। अब हम आपको 13वें कोच का दर्शन करवाएंगे। इसमें कुल मिला के 25 कोच है।
तेरहवें कोच में हम दिखाने जा रहे हैं सायकालीन प्रार्थना कोच, यानी सायकाल में शाम के समय में की जाने वाली प्रार्थना के बारे में अवगत कराया गया है। विक्रमी संवत 2001 में तेरापन धर्म संघ के इतिहास में वीर धरा पर आचार्य तुलसी ने प्रथम बार सायकालीन प्रार्थना ओम जय जय त्रिभुवन अभिनंदन का उपक्रम प्रारंभ किया। कहने का अभिप्राय है कि सायकाल में की जाने वाली प्रार्थना के लिए एक उच्चारण मंत्र दिया, वो था ओम जय जय त्रिभुवन अभिनंदन का उपक्रम प्रारंभ किया। अब हम आपको 14वें शताब्दी कोच का दर्शन कराएंगे जिसका नाम है हेमदुबी। हेमदुबी शताब्दी कोच, हेमदुबी शताब्दी कोच में आप देख रहे हैं मुनि हेम दीक्षा द्वि शताब्दी प्रथम चरण भव्य दीक्षा समारोह बिदासर 20 फरवरी 1997 विकास पुरुष ऋषि हेम साध्वी प्रमुख कनक प्रभाजी। आप देख पा रहे हैं कि एक पेड़ का चित्र बनाकर प्रकृति का भी संदेश दिया गया है, पर्यावरण को बचाने का भी संदेश इसमें दिया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं एक पेड़ का चित्र बनाया गया है आर्टिस्ट द्वारा और बताया गया है कि पर्यावरण के बिना इस जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ऋषि हेम दीक्षा के बाद इस संघ में साधुओं की संख्या का विस्तार हुआ। कहने का विराय है, पूछा जा सकता है कि जैन धर्म में श्वेतांबर जो शाखा है उसमें किसकी दीक्षा के बाद साधुओं की संख्या में विस्तार हुआ, अर्थात इससे पहले साधुओं की संख्या सीमित थी, लिमिटेड थी और कह सकते हैं एक प्रकार से बहुत ही संख्या में नियंत्रित थी। उनकी दीक्षा का ऐतिहासिक मूल्यांकन करते हुए विक्रमी संवत 2053 में हेम दीक्षा द्वि शताब्दी का प्रथम चरण बिदासर में आयोजित हुआ। इस उपलक्ष्य में 13 जैन मुनि दीक्षाएं व 3 समण दीक्षा हुई। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभाजी द्वारा लिखित जीवन वृत्त विकास पुरुष रेस हेम का पुस्तक का प्रकाशन हुआ। उसके बाद हम 15वें कोच का दर्शन करेंगे, महाचरण कोच। महाचरण कोच में हम देखेंगे आचार्य श्री तुलसी जन्म शताब्दी वर्ष का ऐतिहासिक अवदान मनाया गया 28 नवंबर 2013। आप देख पा रहे हैं विक्रमी संवत 2013 आचार्य श्री तुलसी जन्म शताब्दी के समय आचार्य श्री महाशर्मन जी द्वारा बिदासर को महाचरण प्रदान किया गया। एक साथ पूर्व घोषित 39 और तत्काल घोषित 4 दीक्षा मिलाकर कुल 43 जैन मुनि दीक्षाओं से वीर भूमि पर एक नए इतिहास का सृजन हुआ, नए इतिहास का निर्माण किया गया। महाचरण कोच के माध्यम से हमने ये जाना। अब हम 16 कोच का दर्शन करेंगे, 16 कोच का अवलोकन करेंगे जिसका नाम है महासती गुलाब कोच। आप देख पा रहे हैं एक महासती गुलाब कोच में 2 दृश्य दिखाए गए हैं, एक चारपाई पर शयन पर सुलाया दिखाया जा रहा है, उसका हम वर्णन करेंगे क्या है। विक्रमी संवत 1801 में पूरनमल जी बेगवाणी के आंगन में बालक मगवा की छोटी बहन गुलाब का जन्म हुआ। वीर भूमि पर पली पुसी मगवा सहोदरी गुलाब तेरापंथ की द्वितीय साध्वी प्रमुखा बनी। विशालतम भगवती जोड़ जिसे जयाचार्य आशु कविता करते हुए पद्य फरमाते हुए गुलाब सती प्राय एक बार सुनकर उन्हें लिपिबद्ध कर लेती थी। कहने का अभिप्राय है किसी भी बात को एक बार सुनने के बाद उसे कलम से कॉपी में उकेर देना, अर्थात उसे लिख देना, अर्थात हमने मान लो एक बात सुन ली और उसको लिख देना, ये एक बहुत बड़ा ईश्वरीय वरदान कहा जा सकता है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कहा जाता है कि वो एक बार जिस पुस्तक को पढ़ लेते थे उसकी हूबहू पुस्तक लिख देते थे। उसी प्रकार गुलाब सती जी के बारे में भी यह जानकारी हमें मिली। आपकी दीक्षा व मनोनयन स्थली बनने का सौभाग्य भी बिदासर को प्राप्त हुआ। अब हम 17वें कोच का दर्शन करेंगे, उसका अवलोकन करेंगे जिसका नाम है साध्वी प्रमुखा कान कंवर जी दीक्षा कोच, जिसमें आप देख पा रहे हैं विक्रमी संवत 1944 में आचार्य मगवा गणी के शासनकाल में बिदासर धरती पर मुनि कालू आचार्य श्री कालू गणी के साथ मातु श्री छोगा व मौसी पुत्र कान कंवर जी भी दीक्षित हुई, अर्थात जैन धर्म के श्वेतांबर पंथ में वो दीक्षित हुई, अर्थात पूर्ण रूप से अपने परिवार का त्याग करके श्वेतांबर पंथ की रक्षा के लिए, श्वेतांबर पंथ की सुरक्षा के लिए, श्वेतांबर पंथ को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना जीवन दीक्षित किया, जो आगे चल जाकर तेरा पंथ की 5वीं साध्वी प्रमुखा बनी। अब हम 18वें कोच का दर्शन करेंगे, अवलोकन करेंगे, प्रमुखा पर्यायण कोच। कोच का नाम है प्रमुखा पर्यायण कोच। साध्वी प्रमुखा श्री लाडाजी समाधि स्थल बिदासर, अर्थात साध्वी प्रमुखा जी श्री लाडाजी का समाधि स्थल बिदासर में मनाया गया। महासती सरदारान जी, महासती नवला जी और महासती लाडाजी, महासती सरदार ने किया सर्व प्रस्थान सुना दिया जय ने उन्हें रच उनका व्याख्यान, विक्रमी संवत 1927 की घटना। नवल सती का हो गया 3 साल स्थिरवास,
कर अंतिम आराधना, पहुंची अमर निवास। कहने का अभिप्राय, 3 साल ही स्थिरवास में रहे यहाँ पर, और 1954 की घटना, विक्रमी संवत 1954, फिर महासती लाडाबाई यहाँ पाई मरण समाधि, क्षमता समता वृत्ति ने से सही घोरतम व्याधि, अर्थात 2026 का ये हमें इतिहास श्वेतांबर धर्म का जानने का मिला। अब हम मातुश्री कोच 19वें कोच का दर्शन करेंगे, उनका अवलोकन करेंगे। मातुश्री कोच जिसका नाम दिया गया है थान सुतान, थान सुतान में दो दो माताएं मिली विदासन में, 7-13 पंथ इतिहास में हुई अनोखी बात। तपो भूमि पर दीर्घ तपस्विनी मातुश्री सोगा जी का 27 वर्षों तक स्थिरवास हुआ, ऋजुमना मातुश्री वंदना जी का 19 वर्षों तक स्थिरवास हुआ। अब हम 20वें कोच का दर्शन करेंगे, 20वें कोच का अवलोकन करेंगे, जिसका नाम है समाधि केंद्र कोच। समाधि केंद्र कोच में हम देखेंगे कि विक्रमी संवत 2033 आचार्य श्री तुलसी ने कालू जन्म शताब्दी के समय विशेष रूप से अग्रगणी साधियों की चित्त समाधि व स्वास्थ्य लाभ हेतु समाधि केंद्र स्थापित किया, जिसके लिए उपयुक्त एवं साताकारी क्षेत्र के रूप में वीरभूमि विदासर का चयन हुआ। उसके बाद हम 21वें साहित्य सृजन कोच। कहा जाता है साहित्य के बिना समाज गूंगा है, साहित्य के बिना समाज अंधा है। जिस देश का कोई साहित्य नहीं है, जिस धर्म का कोई साहित्य नहीं है, उस धर्म को कोई आगे नहीं बढ़ा सकता, उस देश को कोई आगे नहीं बढ़ा सकता। उसी को ध्यान में रखते हुए साहित्य सृजन कोच का निर्माण किया गया। आप देख पा रहे हैं कि साहित्य की रचनाएं जिन जिन ऋषियों ने, जिन जिन संतों ने की है जैन धर्म के, उनका उल्लेख आप देख पा रहे हैं कि युवाचार्य जीतमल जी ने जो साहित्य लिखा उसका नाम है भिक्षु जस रसायन। उसके बाद में जयाचार्य ने लिखा भगवती सूत्र की जोड़। उसके बाद जयाचार्य ने लिखा सरदार सुजस। उसके बाद आचार्य मगवा जी ने लिखा गुलाब सुजस। उसके बाद आचार्य माणकलाल जी ने लिखा मगवा सुजस। उसके बाद आचार्य तुलसी जिनका नाम श्वेतांबर पंथ में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, एक युग पुरुष, अर्थात पूरे संसार में उन्होंने श्वेतांबर पंथ को आगे बढ़ाने का काम किया, जिन्होंने लिखा छोगा सती छह ढालियो। उसके बाद आचार्य तुलसी ने भी एक लिखा डालिम चरित्र। आपने देखा कि सृजन की सरिता में, सृजन की नदी में उर्वर वीर धरा पर साहित्य की अनुपम फसलें विकसित हुई। कहने का अभिप्राय है साहित्य की फसलें पुस्तकें हुआ करती है, और इन पुस्तकों की रचना का श्रेय जैन धर्म के श्वेतांबर पंथ के विभिन्न आचार्यों को समय समय पर दिया जाता रहा। अब हम 22वें कोच का दर्शन करेंगे, 22वें कोच का अवलोकन करेंगे, जिसका नाम है तपोभूमि कोच। तपोभूमि कोच इसमें 4 परिपाटी बनाई गई है, चौथी परिपाटी, दूसरी परिपाटी, तीसरी, चौथी परिपाटी। इसमें देखें लघु सी निष्कृति तप। इसमें क्या कहा गया है, विक्रमी संवत 1996 आचार्य तुलसी के ऐतिहासिक चातुर्मास में लघु सी निष्कृति तप की 5 परिपाटियां हुई, यह इतिहास की विरल घटना है। 1 नंबर है मुनि अमृतलाल जी, उसके बाद साध्वी अणचाद जी, उसके बाद साध्वी चांदा जी, उसके बाद साध्वी प्यारा जी, उसके बाद लच्छीबाई सेवगणी जी। विक्रमी संवत 1909 में एक साथ 5 से 21 उपवास तप के 500 थोकड़े हुए, जो गौरव का विषय है। उसके बाद हम बिदासर में 23वें कोच का दर्शन करेंगे, अवलोकन करेंगे, जिसका नाम है बिदासर के दीक्षित कोच। आप ये देख पा रहे हैं बेहतरीन आर्टिस्ट द्वारा बहुत सुंदर इनका निर्माण किया गया है, और विभिन्न प्रकार का इसमें हमें ज्ञान प्राप्त करने का, हमें इतिहास को जानने का अवसर मिलेगा। विक्रमी संवत 1837 से अब तक लगभग 84 साधु साधियों ने संघ शरण पाकर रतन गरबा को महिमामय बनाया। पंचमाचार्य श्री मगवा गणी जी व द्वितीय साधु प्रमुखा जी श्री गुलाबा जी की दीक्षा वीर धरा के लिए वरदान बन गई। अब हम 24 नंबर जो कोच बनाया गया एक ट्रेन के रूप में जैन धर्म के इतिहास को, श्वेतांबर धर्म के इतिहास को, बिदासर से क्या जुड़ाव रहा, बिदासर से क्या लगाव रहा, बिदासर ने क्या दिया उनको, बिदासर को क्या मिला, वो पूरी एक ट्रेन के माध्यम से, कोच के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को जानकारी दी गई है, जिससे हम ये साबित कर सकें कि हमारे पूर्वजों ने अपने धर्म के प्रति अपना तन, अपना मन, अपना धन सदैव समर्पित रखा है। क्योंकि कहा जाता है कि जैसा पूर्वज अगर करते हैं, अगर उसका 100 में से 1 अंश भी हम करेंगे, तो धर्म है वो लगातार चलता रहेगा। यही जैन धर्म के मुनियों ने, जैन धर्म के अनुयायियों ने, जैन धर्म को मानने वाले संतों ने इसी
भावना को ध्यान में रखते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाया। अब हम 24वें कोच का दर्शन करेंगे जिसका नाम है 24 चातुर्मास मर्यादा महोत्सव कोच। दोनों 24 है और इसमें लिखा गया है तेरा पंथ धर्म संघ के इतिहास में आचार्य के सर्वाधिक 24 चातुर्मास मर्यादा महोत्सव प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ बिदासर को। कहने का तात्पर्य है कि सबसे ज्यादा चातुर्मास अगर श्वेतांबर के हुए हैं तो बिदासर की भूमि में हुए हैं, जिसमें आप देखेंगे तेरा पंथ में और श्वेतांबर में कई विचारधाराएं हैं, जिसमें तेरा पंथ विचारधारा है जिनका कहीं कोई मठ नहीं होता, कहीं मंदिर नहीं होता, कहीं अपना स्थाई नहीं होता कि हम वहीं पर रहते हैं, वो विहार करते रहते हैं, भ्रमण करते हैं, एक गुरु की आज्ञा में भ्रमण करते रहते हैं। आचार्य श्री रायचंद जी ने यहाँ पर दो चातुर्मास किए, आचार्य श्री माणगणी जी ने एक चातुर्मास किए, आचार्य श्री तुलसी गणी ने यहाँ तीन चातुर्मास किए, उसके बाद आचार्य श्री जीतमल जी ने 8 चातुर्मास किए और 9वां मर्यादा महोत्सव, आचार्य श्री डालगणी जी ने 2 चातुर्मास किए जो 4था मर्यादा महोत्सव कहलाया, आचार्य श्री महाप्रज्ञे जिन्होंने यहाँ पर 1 चातुर्मास किया जो 1 मर्यादा महोत्सव कहलाया, आचार्य श्री मगवागणी जी ने यहाँ 3 चातुर्मास किए, आचार्य श्री कालूगणी जी जिन्होंने यहाँ पर 4 चातुर्मास किए जिनका 3रा मर्यादा महोत्सव कहलाया। अब हम चतुर्मास अलग है, मर्यादा महोत्सव अब तक 24 चतुर्मास और 34 मर्यादा महोत्सव चतुर्मास है, लेकिन इन्होंने कोष्टक में इनको अलग करके बताया है कि चतुर्मास और मर्यादा महोत्सव। चतुर्मास तो प्रत्येक धर्म में मनाया जाता है, 4 महीने जो धर्म महोत्सव खाली बिल्कुल हम आपसे अभी जानते हैं। और ये 25वां ऐतिहासिक रजत मर्यादा महोत्सव, ये वर्तमान जो कार्यक्रम चल रहा है जिस कार्यक्रम को हम आपको दिखा पा रहे हैं, शांति दूत आचार्य श्री महाशरमण जी द्वारा 198वें मर्यादा महोत्सव की घोषणा से वीर धरा बिदासर को रजत मर्यादा महोत्सव का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तेरापंथ धर्म संघ के इतिहास में रजत मर्यादा महोत्सव एक स्वर्णिम आलेख है, अर्थात तेरापंथ धर्म में ये जो रजत मर्यादा महोत्सव है ये अपने आप में एक अनूठा इतिहास लिए हुए हैं, अनूठा ज्ञान लिए हुए हैं, अनूठा आशीर्वचन लिए हुए हैं। अब हम इस कोच का हमने आपको दिखाया, पूरी कोच बनी हुई है, 25 कोच बने हुए हैं ट्रेन के माध्यम से, बड़ी सुंदर बने हुए हैं। ये किसने बनाया, कैसे बनाया, क्या इनके पीछे सोच रही है, हम इसके बारे में यहाँ के जो जैन धर्म के अनुयायी है, श्वेतांबर धर्म के अनुयायी है, तेरापंथ धर्म के अनुयायी हैं, क्योंकि श्वेतांबर जैन धर्म, हम 24वें जैन तीर्थकर की बात करेंगे, भगवान महावीर की बात करेंगे, उनके बाद में ये विचारधाराएं बदली, दिगंबर में हुई, श्वेतांबर में हुई, श्वेतांबर में भी कई विचारधाराएं जिसमें तेरापंथ और तेरापंथ के 11वें महान स्तंभ कह सकते हैं, महान आधार कह सकते हैं आचार्य महाशरमण जी, हम उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ में महावीर प्रताप जी दुग्गड़ है जो यहाँ की पूरी व्यवस्था संभाले हुए हैं। कहा जाता है संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, यूं यूं पेंड आगे धरे त्यूं त्यूं यज्ञ समान, अर्थात संतों के पास आना यज्ञ के समान माना गया है। कहा जाता है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, अगर आप संत मिलन को जा रहे हैं तो आपको तज यानी त्यागना है माया और अभिमान, अगर आप में कितनी भी माया है, आप में कितना भी पावर है, उसको छोड़ना पड़ेगा। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पेंड आगे दरे त्यों त्यों यज्ञ समान, अर्थात हम संत मिलन के लिए जाते हैं तो एक कदम अगर आगे रखते हैं तो प्रत्येक यज्ञ समान है। इसी श्रद्धा में, इसी यज्ञ में, इसी भी महायात्रा में हमारे साथ महावीर प्रसाद जी लगे हुए हैं, हम जानेंगे इनसे। महावीर जी सर्वप्रथम जय जिनेंद्र की। जय जिनेंद्र सर, आप लोगों ने, आपकी पूरी टीम ने, आपके पूरे पर्वाव्यवस्था समिति ने जो इतना सुंदर दृश्य मतलब यहाँ पर देखने को मिला है प्रत्येक धर्म के लोगों को, प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को, इसके पीछे क्या सोच रही है? इसके पीछे मूल सोच ये रही कि तेरापन धर्म संघ का यह 158वां मर्यादा महोत्सव और बिदासर की धरा पर होने वाला यह 25वां मर्यादा महोत्सव रजत जयंती के रूप में, तो हमारे यहाँ पर अभी केंद्र व्यवस्थापिका साध्वी कार्तिक यशा जी का यह चिंतन रहा कि क्यों न बिदासर के एक इतिहास को किस रूप में दिखाया जाए ताकि आने वाले पीढ़ियों को 200-250 साल का इतिहास की जानकारी मिल सके। कहा जाता है किसी का इतिहास अगर मालूम नहीं है पीढ़ी को तो उसका भविष्य खराब हो जाता है। सही तो आप लोगों ने इतिहास बनाकर आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देने की कोशिश की है। और जैसा आपकी जानकारी दे, आचार्य पर्वत भी जब पधारे थे इसका अवलोकन करने, लगभग 20 से 25 मिनट आचार्य पर्वत ने एक एक कोच का, क्योंकि वो भी इतिहास की पूरी जानकारी रखते हैं और इतिहास के पीछे ही पूरा धर्म संघ चलता है कि विगत में आचार्यों ने क्या क्या किया, क्या की चीज की, उसके आधार पर ही जो भी नया निर्णय या चिंतन किया जाता है
और आचार्य प्रवर ने भी काफ़ी लंबे समय तक इसका अवलोकन किया और हमने भी यही चिंतन किया, पूरी बारीकता से किया। तो साध्वी कार्तिकेय साह जी का पूरा श्रम रहा इसमें, इतिहास के पारायण में, और उसके बाद में हमारे पुष्पा भाई भेंगाणी जो है उन्होंने इसके कलाकृति के अंदर में जो ऑटो डिज़ाइनिंग, जो ऑटोग्राफ जो मैंने कंप्यूटर में डिज़ाइनिंग है उसको करवाई, और उसके बाद में कलकत्ता के दक्ष कारीगरों द्वारा ये लगभग एक महीने के टाइम के अंदर में ये इसको तैयारी की गई और उन्होंने आकर के, और कलाकृति के बारे में आप जानते ही हैं कि भाई विदास माने जो कलकत्ता के जो कारीगर हैं बड़े दक्षता से बनाते हैं। और इस प्रवास व्यवस्था समिति में हमारे प्रचार प्रसार के हमारे प्रभारी हैं श्रीमान लक्ष्मीपत जी बोत्रा, उनका भी पूरा श्रम रहा और उनके फैक्ट्री से ये थर्मोकोल आया और लगभग ये पूरा का पूरा थर्मोकोल के ऊपर ही सुसज्जित किया गया है और बाकी सारी चीज़ें वो कारीगरों द्वारा तैयार की गई। और उसमें हमने खूब पूरा ध्यान रखा कि हमने इतिहास को ही दर्शाने का प्रयास किया। ट्रेन तो एक ठीक है, एक सेकेंडरी है, लेकिन मूल रूप से हमने इतिहास सुरक्षित रखने के लिए, इतिहास की जानकारी देखने के लिए ये जितनी झांकियों के माध्यम से प्रयास किया गया। तो ये जो आपने श्वेतांबर, जो आपका पंथ है उसका तेरा पंथ है, श्वेतांबर में तेरा पंथ है, उसके इतिहास को आम जनता के लिए, आपके धर्म को मानने वाले के लोगों के सामने, ये सोच, ये विजन, जैसे कोई कार्य करते हैं तो उसका हमारे पास में एक आइडिया आता है, तो ये ट्रेन का आइडिया किसका था? यह साध्वी श्री कार्तिकेय साह जी का था कि उनका चिंतन था, उन्होंने ये, हालांकि उन्होंने भी ये सोचा कि भाई छोटे रूप में बनेंगे लेकिन इतना विशाल रूप आ जाएगा, ये उन्होंने भी नहीं सोचा, हम लोगों ने नहीं सोचा, लेकिन आज इतना इसका विशाल रूप आ गया कि हमारे मुख्य नियोजिका जी ने भी कल इस ट्रेन का अवलोकन किया तो उन्होंने कहा कि महावीर जी ये चीज़ तो ऐसी बन गई है कि इसको तो म्यूजियम जैसे रूप में रखना चाहिए, तो इसको सुरक्षित रखने का व्यवस्था करें। तो कल से दो दिन से हमारे सभी पदाधिकारी यही चिंतन करें कि इसको कैसे इसको सुरक्षित रखें। मेरा यही सवाल आपसे था कि इसको ये कार्यक्रम होने के बाद इसको कहाँ रखा जाएगा, यहाँ या बिदासर में या बिदासर का इतिहास है, बिदासर का इतिहास है। तो ये जो कलकत्ता के कारीगरों ने इसका जो निर्माण किया वो कलकत्ता में किया, यहाँ पे आकर उन्होंने एक महीने तक यहाँ पे वास किया, एक महीने रुक के सुबह लगभग 8 बजे से रखते, रात को 12, 1, 2 कई कई रात, तो कई सारी रातों तक जग कर उन्होंने निर्माण किया और पूरी अच्छी तरह से इसको मैंने कलाकृति से उसको सुसज्जित करने का प्रयास किया। अब आचार्य महाश्रमण जी का चातुर्मास छपर में होने जा रहा है, हाँ 25 तो कितने दिन बाद से शुरू होगा? बस 7-9 जुलाई संभवतः उनका गुरुदेव का प्रवेश है छापर में 9 जुलाई। उसके पूर्व अभी दिल्ली पधारेंगे, दिल्ली के बाद में सरदार सर पधारेंगे, विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए फिर 9 जुलाई को छापर में चातुर्मास। 9 जुलाई के बाद 4 महीने तक वहीं रहेंगे। चार महीने क्या क्या कार्यक्रम चलेंगे, किस प्रकार का आशीर्वचन, किस प्रकार का ज्ञान आम व्यक्तियों को, सभी धर्म के पंथों को? चातुर्मास में आध्यात्मिक पूरा क्रम चलता है और गुरुदेव का लंबा प्रवचन रखता है, उन्हें चरित्र आत्माओं का प्रवचन रहता है, ध्यान आयकायु सर्ग वगैरह का चलता है, और लंबा तप का सावन भाद्रव के अंदर में 2 महीने तपस्या का लंबा क्रम चलता है। कोई 1 महीने का तप करता है, कोई 15 दिन का करता है, कोई 28 करता है, कोई 9 करता है, कोई 7 करता है, और फिर संवत्सरी के दिन तो लगभग जितने भी तेरापंथी परिवार के अगर स्वास्थ्य की अनुकूलता रहती है तो सभी उपवास करते हैं। तो इस रूप में इस महापर्व को, 9 दिवसीय परिश्रम पर्व को बड़े मैंने आध्यात्मिक तरह से मनाया जाता है और आध्यात्मिक उसकी रूपरेखा बनाई जाती है और उसमें पूरा त्याग प्रत्याख्यान का विशेष महत्व रखा जाता है। और है ही भाई जैन धर्म तेरा धर्म पूरा त्याग और उस संयम का धर्म है, तो त्याग और संयम की चेतना के ऊपर ही ये सुरक्षित है और त्याग संयम की चेतना के ऊपर ही आचार्यों के प्रवचन है, उनकी प्रेरणा है, सदैव हमें मिलती रहती है। जैन धर्म का एक मूल आधार, मूल सिद्धांत है जियो और जीने दो। नहीं, जियो और जीने दो सिद्धांत है कि हमारे को अपनी आत्माओं की रक्षा करनी, हमारी आत्मा मलिन ना हो, जीना। अब जीव जीता है और मरता है, वो अपने अपने नियत समय से जन्म लेता है, लेकिन उस मरने के अंदर में हम उसके हिस्सेदार नहीं बने, हम उस जीव को मारने में हम अपना हमारा तनिक भी इसका उसमें ये न हो, तो हमको अपने जीव की, हमें अपने आत्मा की रक्षा करने के लिए उस जीव को हमें सुरक्षित रखना है। किसी जीव की हत्या ही नहीं, तन मन से भी किसी को अपनी बात से, अपने वचन से बुरा नहीं लगना भी हिंसा। हाँ, वो भी हिंसा, एकदम सही बात। तो जैन धर्म के अनुयायी या जैन धर्म के जो संत है, जो मुनि है, जो साधु है, वो किस प्रकार प्रयास करते हैं कि उनके माध्यम से किसी भी जीव की हत्या नहीं? हाँ, उनका भी यही रहता है कि संयम की साधना करो, हर जैसे संयम, आज संयम किया, अगर आपने खाद्य संयम किया तो उसके अंदर में आप अगर मान लीजिए आज 50 तरह के आइटम खाते हैं, उसके अंदर में अगर 10 के अगर सीमा कर ली तो 40 जो आइटम आपने छोड़े उसके अंदर में उपयोग में होने वाले जितनी भी वनस्पति काय के जीव की है, चाहे अग्नि काय के जीव की है, चाहे वायु काय के जीव की है, चाहे जल के जीवों की, उनको सुरक्षित रखने का ही मूल उद्देश्य है कि हम जितनी हम
देखिए हम खाना पीना पूरा तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन जितनी उतनी संयम की चेतना हमारी आगे बढ़ती है उतने हम अपनी आत्मा की सुरक्षा कर पाते हैं, उतने हम धर्म के निकट जा पाते हैं। संयम खलु जीवनम, संयम खलु जीवन, संयम ही जीवन, संयम ही जिसने जीवन में संयम अपना लिया उसका जीवन मतलब धन्य हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, उसको कहीं यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है, संयम रखिए जीवन में। संयम संयम, ये हमारे साथ महावीर जी थे जिन्होंने हमें विस्तार रूप पूर्व, और जिस दिन पूर्ण संयम कर लेंगे उस दिन हमारा, जिस दिन हमारा पूर्ण संयम की आत्मा के आत्मा का उद्धार हो जाएगा। बिल्कुल, इनके माध्यम से हमने बहुत कुछ जाना और इनके माध्यम से इनकी टीम के माध्यम से बहुत कुछ इस बिदासर वासियों को एक इतिहास जानने का अवसर मिलेगा। और मैंने भी जब यहाँ पर ये देखा तो मतलब हृदय प्रफुल्लित हुआ कि मेरी बिदासर तहसील में यहाँ के पूर्वजों ने इतना त्याग किया और उतने उसका मैं तो कहता हूँ कि शतांश त्याग भी आने वाली पीढ़ी करे तो भी। कोई भी धर्म मैं कहता हूँ कभी भी निकृष्ट नहीं हो सकता, वह महाउत्कृष्ट श्रेणी की ओर बढ़ेगा। और इसी के साथ हमारे साथ महिला मंडल की गरिमा, कन्या मंडल की हमारे साथ गरिमा बोथरा हमारे साथ है, जो मतलब सक्रिय भूमिका निभाने वाली है प्रत्येक कार्यक्रम में, चाहे किसी भी सामाजिक गतिविधि की बात हो। तो हम कन्या मंडल की गरिमा बोथरा से बात करेंगे। और जैन धर्म में एक जो मेरे को अच्छी बात लगी वो ये है कि हम बात समानता की करते हैं, महिला पुरुष की करते हैं, लेकिन एक अलग एक मंच प्रदान करके महिलाओं को पुरुषों के बराबर रखने का अगर कोई धर्म कार्य कर रहा है तो जैन धर्म है। अर्थात मैं किसी धर्म का नाम नहीं लेना चाहता, प्रत्येक धर्म में महिलाओं को कहीं ना कहीं पीछे रखने का प्रयास किया जाता है, लेकिन जैन धर्म में आचार्य तुलसी ने कन्याओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। हम गरिमा से बात करेंगे। सर्वप्रथम जय जिनेंद्र, और आप पूर्णतया सक्रिय हो उसके लिए आपको धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, आपकी बिदासर जन्मभूमि पर इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है और इस कोच के माध्यम से हमें जानने का अवसर मिला कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया इतने, क्योंकि किसी देश का इतिहास अगर समृद्ध है तो उसका भविष्य भी समृद्ध होगा, किसी धर्म का इतिहास समृद्ध है तो उसका भविष्य भी समृद्ध होगा। क्या कहना चाहोगे इस कोच को देखकर? सबसे पहले तो फैक्ट तंत्र को धन्यवाद कि उन्होंने कवरेज किया और इस जो अमूल्य धरोहर है बिदासर की, इस धरोहर को सहेज के रखा, इसके लिए आगे बढ़ाने का काम किया। मैं कहना चाहूंगी ये जो पूरा आइडिया, क्रिएटिव आइडिया है, वो सातवीं श्री कार्तिकेय साहब जी का है, उसके बाद में महावीर जी दुग्गड़, लक्ष्मीपत जी बोथरा और पुष्पा जी बेंगाणी का इसमें बहुत ज्यादा योगदान रहा। और एक एक जो टॉपिक को सिलेक्ट किया है वो ऐतिहासिक घटनाओं से भरपूर है और इससे तो मन एकदम प्रफुल्लित है, चाहे कोई भी आके यहाँ पे अवलोकन करे, क्योंकि इतनी क्रिएटिव आइडिया से और ऐतिहासिक चीजों को जानने का मौका मिला है, वो भी बिदासर तहसील में। ऐसा काम अभी तक नहीं हुआ। कहा जाता है कि तहसील में बिदासर के अंदर अभी तक ट्रेन नहीं आई, लेकिन इस प्रकार की ट्रेन है, ऐतिहासिक ट्रेन है, वो बिदासर के अंदर आ गई। ये आचार्य श्री महाश्रमण जी व प्रमुख श्री जी का वरदान कह दो या उनका आशीर्वाद कह दो कि ये सारा कार्यक्रम सफल हो पाया है। बहुत ही सुंदर जानकारी दी और कहने का तात्पर्य है कि जिस ट्रेन को लाने के लिए हमारे सांसद महोदय, विधायक महोदय प्रयास कर रहे हैं और ट्रेन नहीं आ पाई, लेकिन धर्म गुरुओं ने, धर्म युग प्रधान गुरुओं ने हमारे बिदासर तहसील में एक ऐसी ट्रेन का निर्माण किया है, इस ट्रेन को लाने का प्रयास किया है। अगर इसके इस पर लिखे गए एक एक शब्द पर, मैं तो कहता हूँ इस पर हजारों शब्द लिखे, एक शब्द पर भी अगर व्यक्ति अपना गौर कर ले, कोई भी धर्म को मानने वाला हो, तो उसका जीवन धन्य। हमारे साथ कन्या मंडल की एक बाल सदस्य हमारे साथ, हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? दिव्या बोथरा। आपने इस कोच के बारे में, आपने कोच का अवलोकन किया है, क्या आपके मन में भाव आए इस कोच को देखकर? मैं खुद बिदासर की रहने वाली हूँ। जिसको इस कोच के बारे में नहीं पता कि हमारे बिदासर में क्या क्या घटनाएं घटित हुई है जो ऐतिहासिक है और हम उन्हें उकेरना देखना चाहते हैं, समझ नहीं पाते हैं। कई कई बार ऐसी चीजें होती है कि हम समझ नहीं पाते, वो बता तो देते हैं, तो इसमें चित्रकारिता के साथ नीचे लिखा गया है, दोनों का मिक्सअप होने के साथ होने से हमें अच्छे से पता चल पाता है कि क्या दिखाया गया है, क्या दिखाना चाहते हैं और हम क्या समझना चाहते हैं कि हमारे गुरुओं ने, आचार्यों ने हमें क्या शिक्षा दी, हमारे महासतियों ने क्या शिक्षा दी और हमारे यहाँ पे बिदासर में क्या क्या घटना घटित हुई है, जिससे कि हम अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करें, यही बताना चाहते हैं। कहा जाता है कि शब्द से कोई बात अगर समझ में नहीं आती है तो उसे शब्द चित्रों के माध्यम से उकेरा जाता है। किसी को एप्पल का बोलेंगे, एप्पल मीन सेव होता है, तो नहीं समझेगा, उसको सेव दिखा दिया जाता है तो समझने का प्रयास रहता है। तो बिदासर वासियों को नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी बिदासर तहसील के इस मुख्यालय के नज़दीक है उसे जैन धर्म के इतिहास को जानना है, श्वेतांबर पंथ के इतिहास को जानना है, तेरा पंथ के इतिहास को जानना है, तो यहाँ पर जरूर अवलोकन करना चाहिए और अपना अमूल्य समय अपने जीवन को धन्य करने के लिए जरूर प्रदान चाहिए और यहाँ पर अवलोकन करके इतिहास को जानने का अवसर प्राप्त करना चाहिए।
इसी आशा के साथ मैं जुगल प्रजापति फैक्ट तंत्र टीम बिदासर चूरू राजस्थान से जय जिनेंद्र जय हिंद।